हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लीग T20 का मैच नंबर 12, जो कि संडे 28 जनवरी शाम 4 बजे शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा। और ये जो मैच होगी वो MI एमिरेट्स वर्सेस अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच में खेली जाएगी। तो जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि कैसी होगी पिच, कैसी होगी अबू धाबी का मौसम, और कैसी होगी दोनों टीमों की हेड टू हेड, कैसी होगी दोनों टीमों की टीम फॉर्म। और जानेंगे इस वीडियो में कि इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो चलिए शुरुआत करने से पहले, आप लोग सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक से या सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि हमारी जो भी वीडियो न्यू अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते सबसे पहले शुरुआत करेंगे और बात करेंगे वेदर कंडीशन की। तो सबसे पहले वेदर की अगर बात करें तो 23.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगी, 50% ह्यूमिडिटी एंड बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। स्काई जो है वो एकदम क्लियर रहने वाली है। वहीं अगर दोनों टीमों की अगर टीम फॉर्म की बात करें तो दोस्तों MI एमिरेट्स वर्सेस अबू धाबी, इन दोनों का लास्ट 5 मैचेस की अगर टीम फॉर्म देखें तो MI एमिरेट्स की पिछले 5 मैच में से 3 मैच विन किए, 2 मैच लॉस किए। वहीं अगर अबू धाबी की बात करें तो पिछले 3 मैच लॉस किए और 2 मैच विन किए। अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो दोस्तों 3 मैचेस हुई है जिसमें से 3 मैच MI एमिरेट्स ने जीती है, अबू धाबी तक अभी तक हेड टू हेड में खाता खोल नहीं पाए हैं। वहीं पे अगर बात कर ले दोनों टीमों की, अगर टीम कंपेरिजन कर लेते हैं एवरेज स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर में, तो कौन सी टीम मजबूत होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और मैं चलता हूँ, शुरुआत करता हूँ टीम कंपेरिजन के बारे में। तो एवरेज स्कोर जो है MI एमिरेट्स की 165 है, MI एमिरेट्स की हाईएस्ट स्कोर 241, MI एमिरेट्स की लोएस्ट स्कोर 96। वहीं अबू धाबी की अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 144 है, हाईएस्ट स्कोर की बात करें अबू धाबी की तो 183, लोएस्ट स्कोर 95 है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए हो कि कौन सी टीम मजबूत है और कौन सी टीम वीक है। ठीक है, तो वीक और स्ट्रांग आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कौन सी टीम आपको वीक लगी और कौन सी टीम स्ट्रांग लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग वेन्यू की। तो इस वेन्यू पे एवरेज स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर क्या है, लोएस्ट स्कोर क्या है, हाई चेस कितना हुआ है, लोएस्ट डिफेंड कितना हुआ है, हम लोग वो जान लेते हैं इस वेन्यू पे। तो चलिए, इस वेन्यू का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 137, हाईएस्ट स्कोर 179, लोएस्ट स्कोर 95, हाईएस्ट चेस की बात करें तो 96 हाईएस्ट चेस हुई है, लोएस्ट डिफेंड जो है वो 179। तो मेरे भाई जो है आते हैं फाइनली ये जो पिच है वो पिच तो फिलहाल लो स्कोरिंग दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं ये जो मैच होगा वो लो स्कोरिंग ही मैच होगा। हो सके तो जो भी टीम अगर टॉस जीती है तो वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि अगले को इस पिच पे चेस करने में मुश्किलें होती है, काफ़ी दिक्कतें सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम आते हैं अपने मैच प्रेडिक्शन के ऊपर कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो दोस्तों हमारी जो भी यूट्यूब पर प्रेडिक्शन होती है पिछले रिकॉर्ड को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों को अपना प्रेडिक्शन देता हूँ। तो आज का जो हमारा फाइनल प्रेडिक्शन है, मैं अबू धाबी के साथ जाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।